आज की वीडियो आप लोग स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल मेरी तरह फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। जिस तरह से मैं अपनी फोटो को एडिट करता हूं बिल्कुल उसी तरह का फोटो एडिटिंग आप लोग भी सीख सकते हैं। देखिए गाइस, ये वाली वीडियो देख लीजिए आप लोग, कितना जबरदस्त फेस स्मूथ हो रहा है, कितना व्हाइट हो रहा है। अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं गाइस, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा। देखिए गाइस, कितना जबरदस्त फेस स्मूथ हुआ है, इसका बैकग्राउंड भी जबरदस्त है, और इसका देखिए दोस्तों एडिटिंग भी खतरनाक है, फेस स्मूथ भी जबरदस्त है। तो अगर आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेते हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, देखिए मैं कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ। देखिए कितना जबरदस्त एडिट हुआ है, इसका हेयर स्टाइल भी देखिए कितना जबरदस्त ऑयल पॉइंट हुआ है, इसका बैकग्राउंड एंड फेस सब मैच कर रहा है बैकग्राउंड से। देखिए गाइस, इस तरह का फेस स्मूथ कहीं भी ब्रशेज का निशान नहीं आएगा, और फेस को गोरा कैसे किया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाली फोटो देखिए बिना रिटच किया हुआ, और ये वाली फोटो देखिए रिटच करने के बाद कितना जबरदस्त दिख रहा है, कितना हार्ड दिख रहा है। देखिए ये वाली फोटो, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी फोटो को करते हैं डायरेक्टली लाइटरूम के अंदर शेयर। तो ये वाली फोटो को हम लोग डायरेक्टली लाइटरूम के अंदर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेता है, आप लोग भी लाइटरूम के अंदर शेयर कर लीजिएगा। और ये वाली प्रीसेट कहाँ मिलेगा वो वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा तो ये वाली प्रीसेट भी ले सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हम लोग लाइटरूम के अंदर। सबसे पहले हम लोग को क्या करना, ऑल फोटो पे क्लिक करना। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये वाली फोटो मेरा लाइटरूम के अंदर जो अभी शेयर किए हैं वो ये वाली फोटो है। देखिएगा ये वाली फोटो, तो ये फोटो को हम लोग प्रीसेट की मदद से एडिट करेंगे। तो देखिएगा क्या करना, यहाँ पे एक प्रीसेट होगा, वो प्रीसेट की मदद से हम लोग अपनी फोटो को एडिट करेंगे गाइस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सीधा से ये वाली प्रीसेट देखिए राव लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली प्रीसेट है, इसको ऐड कर देना है लाइटरूम के अंदर। तो लाइटरूम के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं गाइस, आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। प्रीसेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल मेरी तरह से आप लोग भी एडिट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका प्रीसेट, तो यहाँ पे ये रहा प्रीसेट। प्रीसेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाली प्रीसेट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। मैं हर वीडियो में ये बात आप लोग को बताता हूँ कॉपी सेटिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे में कॉपी सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट कर देंगे। हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि जिस तरह से हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा, तो आप लोग का भी फोटो एडिट हो जाएगा। अब क्या करना, ये वाली फोटो पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना, और यहाँ पे पेस्ट सेटिंग का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। हमारा फोटो मात्र एक क्लिक के अंदर कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। देखिएगा इतना कुछ हो जाने का, अब क्या करना है, अपनी फोटो को क्रॉप करना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और कुछ इस तरह से हम ये वाली फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जिस तरह से करना चाह रहे हैं आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। हम अपनी फोटो को कुछ इस तरह से कर ले रहे हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना पे रखना चाहते हैं उतना पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रॉप हो गया गाइस, देखिए कुछ इस तरह से, आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग अपने ब्लैकनेस या कुछ भी लाइट वाइट कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये वाली पे क्लिक करके लाइट को कम कर सकते हैं, या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इधर उधर कर सकते हैं। एडजस्ट करना है तो यहाँ से नीचे में एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोग जितना पे रखना चाहते हैं उतना पे रख सकते हैं। तो हमारा तो ये सब कुछ सही है। अगर फेस को व्हाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिक्स टूल पे क्लिक करके और व्हाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रेड हो सकता है, यहाँ से व्हाइट हो सकता है, जितना पे रखना चाहते हैं उतना पे रख सकते हैं। तो हम इतना पे रहने देते हैं, इतना व्हाइट सही रहता है हमारे लिए, तो इतना व्हाइट रखेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे चार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये वाली फोटो को एटोडेक्स स्केच बुक के अंदर शेयर करेंगे। वहाँ पे फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, डार्क टक्सा कैसे नहीं दिखेगा, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों, देखिए हमारा फोटो आ चुका है एटोडेक्स स्केच बुक के अंदर। यहाँ पे किस तरह से अपनी फेस को स्मूथ करेंगे, किस तरह से कौन सा ब्रशेज को यूज करते हैं हम लोग, वो वाली सारी बातें आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल मेरी तरह फोटो को एडिटिंग करना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाली ब्रशेज पे पॉइंट फोर ब्रश पे भी क्लिक करके, और इसकी सेटिंग देख लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा कुछ इस तरह से। इसका साइज जितना पे रखना चाहते हैं उतना पे रख सकते हैं। इतना कुछ हो जाएगा तो फोटो को कुछ इस तरह से जूम कीजिएगा, और अपने फेस पे कुछ इस तरह से अपने ब्रशेज को यूज कीजिएगा, तो आपका फेस बिल्कुल मेरी तरह से, जिस तरह से मेरा स्मूथ हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग का भी फेस स्मूथ होगा। देखिएगा अगर वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत है तो फेस स्मूथ करने में ही टाइम लगता है। तो फेस स्मूथ अगर आप लोग सही से देख सकते हैं, बिना स्किप किए हुए अगर देख लीजिएगा, तो फेस स्मूथ का मास्टर आप लोग भी बन सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। जिस तरह से हम अपने फेस को स्मूथ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोग भी अपना फेस स्मूथ कर सकते हैं। देखिए गाइस, हम किस तरह से अपने फेस पे ब्रशेज को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं, वो गौर से देखिए। देखिए जिस तरह से हम लोग को अब यहाँ पे यूज़ करना है ब्रशेज, तो यहाँ पे करना है तो किस तरह से करना है, इस तरह से बिल्कुल ऐसे ऐसे करेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं, घस देते हैं, लेप देते हैं, तो लेपने से नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग का फोटो ख़राब हो जाता है, ब्रश का निशान आ जाता है और ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। तो बिल्कुल अगर मेरी तरह जिस तरह से हम कर रहे हैं आराम आराम से, इसमें जितना टाइम लगाइएगा उतना ज़बरदस्त स्मूथ होगा आप लोग का भी फेस। जिस तरह से मेरा स्मूथ हो रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग का भी रियल स्मूथ होगा, कहीं भी ख़राब नहीं होगा। देखिए गाइस, देखिए
देखिए इतना पार्ट आप लोग को दिखा रहा है, जितना हम स्मूथ किए हैं उतना में कहीं पे भी अगर ब्रशेस का निशान आ रहा है तो आप लोग बताइए वीडियो में, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट कर लेते हैं क्योंकि फेस स्मूथ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए। सो फाइनली गाइस हमारा फेस हो चुका है स्मूथ। स्मूथ होने के बाद कितना जबरदस्त, कितना हार्ड दिख रहा है, देखिए दोस्तों कितना व्हाइट और कितना जबरदस्त स्मूथ हुआ है। आप लोग भी यही वाला ब्रशेस को यूज कीजिएगा तो आप लोग का भी फेस बिल्कुल मेरी तरह स्मूथ होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद अब क्या करना है, हम लोग को लिप्स को कलर करना है। तो लिप्स को कलर करने के लिए क्या करना है, ऊपर में लेयर डुप्लीकेट लेयर एक तैयार करना है। तो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लाइट का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद ये वाले ब्रशेस को सिलेक्ट करेंगे। यही दोनों ब्रशेस हम लोग को पूरा काम करना है। तो देखिए दोस्तों इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से रख लीजिएगा जिस तरह से हम रखे हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या करना है, जिस तरह का कलर करना है वो वाले कलर को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जिस तरह का लिप्स रखना है वो वाले कलर को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमको ये वाला कलर करना है तो ये वाला कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा गाइस। और इतना कुछ हो जाने के बाद अपनी फोटो को कुछ इस तरह से जूम करेंगे और अपनी लिप्स पे कुछ इस तरह से ब्रशेस को यूज करेंगे तो आप लोग का भी लिप्स कुछ इस तरह से रेड हो जाएगा, जिस तरह से मेरा हो रहा है ना रेड, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग का भी रेड होगा। तो देखिए दोस्तों ये मात्र दो ब्रशेस की मदद से पूरा फोटो को एडिट कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल मेरी तरह। तो ये ट्रिक अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरा लिप्स हो चुका है रेड, रेड होने के बाद कितना जबरदस्त दिख रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे बोके पीएनजी ऐड करना है और हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऑयल पेंट करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली हम लोग ये वाली फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर करेंगे गाइस। सो फाइनली गाइस आ चुका है हम लोग पिक्सआर्ट के अंदर, तो हमारा फोटो आ चुका है पिक्सआर्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोग आपको सिक्रेटी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप लोग को नहीं पता होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपनी फोटो को क्वालिटी ऐड कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिसर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 114 है इसका, तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले 5000 दे देना, 5000 क्लिक करेंगे और इसका साइज सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों 28x68 आया है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही साइज रख देना है यहाँ पे। उसके बाद इसको साइज एडजस्ट हो गया। अब अपनी फोटो को कितना जूम कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो आपका फोटो नहीं फटने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, नहीं तो आपका फोटो पिक्सआर्ट के अंदर जाने के बाद फट जाता था, तो अब आपका फोटो नहीं फटेगा। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एटिक्स का एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑयल पेंट का एक ऑप्शन है दूसरे नंबर पे, वहाँ पे क्लिक करते ही हमारा फोटो ऑयल पेंट की तरह हो जाएगा। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रशेस पे क्लिक करेंगे, ब्रशेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हेयर पे कर लेते हैं, मात्र हेयर को ऑयल पेंट करना है तो हेयर पे रख लेंगे और इसको यहाँ से राइट करके देखिए दोस्तों यहाँ से इसका थोड़ा सा कम कर लेंगे, बैलेंस जितना पे रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। देखिए दोस्तों इतना रख लेंगे तो आप लोग का भी हेयर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिस तरह से मेरा हेयर है ना ऑयल पेंट, बिल्कुल इसी तरह से ऑयल पेंट हो जाएगा और इसको राइट कर दीजिएगा। इतना कुछ हो जाने के बाद अब क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है, एड फोटो पे क्लिक करके अब यहाँ पे बोके पीएनजी ऐड करना है। तो यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आप लोग बोके पीएनजी को ऐड किए रखे हुए हैं वहाँ से आप लोग बोके पीएनजी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग के पास तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों हम मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये वाली बोके पीएनजी को ऐड कर लेते हैं गाइस कुछ इस तरह से और इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉप करके राइट कर देते हैं और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, जिस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं ना बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। और नीचे में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग पर क्लिक करके इसको स्किन कर दीजिएगा, जिस तरह से हम कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से स्किन कर दीजिएगा। और ऊपर में लेयर का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लीजिएगा और एक यहाँ पे रख लीजिएगा और इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाली को इरेज कर लीजिएगा, जिस तरह से हम इरेज कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक और डुप्लीकेट तैयार कर लीजिएगा और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रख लीजिएगा और इसका ऑप्टिकलिटी थोड़ा सा कम कर लीजिएगा गाइस, देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल पर नया चैनल कर दिए सब्सक्राइब। अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।